फ्रेंड्स, तो आज स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एयरटेल के इसी एक्सट्रीम फाइबर के बारे में, जो कि नोकिया के तरफ से आता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, पावर्ड बाय नोकिया। और चलिए बात करते हैं इसके कनेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत लोग सोचते होंगे कि ये यूएसबी क्यों दिया हुआ है। तो मान लीजिए आपको आपके घर में बहुत सारे डिवाइसेज हैं और एक ही फोटो या वीडियो को बहुत लोगों को एक्सेस करना होता है, तो यहाँ पर आप उस पेन ड्राइव को या जो भी स्टोरेज डिवाइस है उसको यहाँ पर लगा दीजिएगा। तो जो जो भी आपका पासवर्ड जानेगा इस राउटर का, वो उस स्टोरेज को एक्सेस कर पाएगा। और ये होता है टेलीफोन के लिए, जो कि यहाँ पे लिखा भी होता है TEL1, मतलब टेलीफोन वन, मतलब यहाँ पर एक टेलीफोन लगाया जा सकता है जो इसका नंबर होता है लैंडलाइन का, वो वही होता है जैसे लैंडलाइन पहले आता था, उसको उठा के इसे बात किया जाता था, वही स्टाइल वाला यहाँ पे भी लैंडलाइन का यूज किया जाता है। और यहाँ पर लैंड वन, लैंड टू, थ्री, ये सब है कि मतलब आप लैपटॉप वगैरह यूज करते हो तो केबल के जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं फास्ट इंटरनेट के लिए। और यहाँ पर पावर लिखा हुआ है, तो आपको पता ही है पावर के लिए। और यहाँ पर ऑन ऑफ के लिए, और ये LED का बटन है, और ये लैंड का बटन है, और WPS का बटन है यहाँ पर। और यहाँ पर फाइबर कनेक्ट होता है, रुकिए आपको कनेक्ट करके दिखा देते हैं। कुछ ऐसा आपको केबल मिलेगा जो कि यहाँ पर ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ये एयरटेल वाला एक्सट्रीम फाइबर वाला आता है जो कनेक्ट करके देता है सब कुछ। एक छोटा सा मिनी बॉक्स होता है जहाँ पे ये कनेक्ट होता है, और वहां से आपके पोल पे कनेक्ट होता है। तो ऐसा ही है। और आगे की बात करें तो यहाँ पर लाइट दिया हुआ है, यहाँ पर एक पावर का है। अगर आप इसको ऐसे इसमें इसके पावर सोर्स में कनेक्ट करिएगा तो यहाँ पर पावर का लाइट जलेगा। और यहाँ पर लैन वन, लैन टू, लैन थ्री, इसमें आप केबल कनेक्ट करिएगा तो वो जलेगा। और यहाँ पर दिया हुआ है WPS बटन, मतलब OTP का तो शायद जलेगा। और यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन चालू हो जाएगा तब जलेगा, और USB लगा रहेगा तब जलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर इसमें दो बैंड है, 4 GHz और 5 GHz। तो उसमें क्या होता है कि आपका फोन, मतलब 4 GHz में क्या होता है कि आपका फोन से कनेक्ट होगा तो वो रेंज ज्यादा होगा लेकिन स्पीड कम होगा, और 5 GHz में रेंज कम होता है और स्पीड ज्यादा होता है। ये आपके घर में इंस्टॉल होगा तो आपको पता ही होगा। और यहाँ इसका एक्सेस होता है एयरटेल के ऐप से, जो इसका आप चेंज कर सकते हैं। और चलिए इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं। ये इसका पावर एडेप्टर है जो कि 1 एम्पियर 12 वोल्ट का है, और चलिए लगा कर दिखाते हैं कैसे चालू होता है। इतना कुछ आपको करने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो आता है तो वो कनेक्ट करके जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो स्विच ऑन है और यहाँ पर, तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर केबल लगते ही यहाँ पर पावर केबल लग चुका है। तो पावर केबल लगते ही यहाँ पर पावर का लाइट चालू हो गया है। और जब आप USB लगाएंगे तो USB का आपको बताया ही है, और जब इंटरनेट कनेक्शन, जब ये आपका वो बॉक्स मिनी बॉक्स में लग जाएगा तो यहाँ पर इंटरनेट का भी चालू हो जाएगा, इंटरनेट वाला भी। और देखिए यहाँ पर 4 WPS 4 और 5 चालू हो गया। इसका मतलब आप अपने फोन में दो बैंड एक्सेस कर पाएंगे इसी इसमें जो आपने नाम सेव किया होगा अपने ऐप से, तो वही इसका एक्सेस होगा। और जिसमें 4 GHz और 5 GHz होगा, जिसमें 4 GHz का क्या होता है कि रेंज ज्यादा होता है और स्पीड स्लो होता है, और 5 GHz का क्या होता है कि रेंज कम होता है और स्पीड ज्यादा होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।